हत्या के प्रयास में तीन आरोपी गिरफ्तार, धारदार हथियार और पाइप से युवक पर किया था वार, जानलेवा हमला पुलिस टीम ने दबिश देकर पकड़ा। चौमू थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार तीन बदमाशों को सोमवार देर रात गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी अंकित नेटवाल पुत्र कालूराम जाट निवासी नेटोवालों की ढाणी जैतपुरा, विकास जाट पुत्र बाबूलाल जाट निवासी झालरो की ढाणी जैतपुरा और कमल जाट पुत्र सूरजमल जाट निवासी झालरो की ढाणी जैतपुरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने देर रात दबिश देकर तीनों आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही फरार साथियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर को राधा स्वामी बाग निवासी महेंद्र कुमार बराला पर जानलेवा हमला किया गया था। रात करीब 10:45 बजे वह दोस्त के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी अंकित नेटवाल, विकास घोसलिया, सतीश गुड़ा, गौतम झाजड़ा, कमल घोसलिया, विक्रम मीणा सहित दर्जन भर लोगों ने धारदार हथियार और लोहे के पाइप से महेंद्र पर हमला कर दिया था। ताबड़तोड़ वार कर हमलावर वहां से फरार हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।